आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यदि आपका मोबाइल पानी में भीग जाए तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। देखिए, बारिश के दिनों में मोबाइल फोन को पानी से बचाना एक मुश्किल काम होता है। कई बार अनजाने में ही बारिश में बाइक चलाते या पैदल चलते समय गीला हो जाता है। दूसरी चीजों को सुखाना तो आसान है, लेकिन मोबाइल के मामले में काफी सोचना पड़ता है। इसे सुखाना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप मोबाइल को खराब होने से बचा सकते हैं। यदि मोबाइल भीग जाए तो इसका स्विच बिल्कुल भी चालू नहीं करें। हो सकता है कि स्विच ऑन करते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाए और फोन में कोई बड़ी खराबी आ जाए। अगर भीगने के बाद मोबाइल चालू अवस्था में है तो इसे तुरंत बंद कर दें। ऐसा करके आप इसे खराब होने से बचा सकते हैं। भीगे हुए फोन का स्विच ऑफ करने के बाद इसके पीछे के कवर को खोलकर इसके बैटरी, सेल, मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लें और साफ सूती कपड़े से पोंछ लें। यदि फोन के ऊपरी भाग में गीलापन नजर आए तो इसे धीरे धीरे टिश्यू पेपर से सुखा लें। ध्यान रहे टिश्यू पेपर से कहीं ज्यादा रगड़ नहीं पहुंचे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भीगे फोन को सुखाने के लिए कभी भी हेयर ड्रायर या माइक्रोवेव, जो ओवन होते हैं माइक्रोवेव का, उसका उपयोग नहीं करें। इनसे ओवरहीट होकर मोबाइल खराब हो सकता है। फोन को पंखे के सामने या हवा में सुखाएं। करना यह है, पर ओवरऑल जब बारिश का टाइम हो तो बेहतर होगा आप किसी पॉलिथीन में फोन को रख लें। ये हमारा हिंदुस्तानी तरीका है, तो आपका फोन भीगने से बच जाएगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।